हरकतें। आइए देखते एक नजर आज की हेडलाइन पर। ट्रेन में चढ़ते ही हुस्न के जाल में फंसा लेती थी हसीना, गिरफ्तारी ने खोला ये राज। दो मंजिला घर में अचानक हुआ ब्लास्ट, 5 घायल। पत्नी पर गैर मर्द से संबंध का था शक, नाराज पति ने कर डाली ये हैवानियत। अब खबरें विस्तार से। ट्रेन में चढ़ते ही हुस्न के जाल में फंसा लेती थी ये हसीना, गिरफ्तारी ने खोला ये राज। नई दिल्ली में ट्रेन में सफर करने के दौरान अगर कोई खूबसूरत महिला छोटा बच्चा लेकर आपके पास बैठ जाए तो सावधान हो जाइए, यह चोरी के गैंग का हिस्सा हो सकती है। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने ऐसे ही एक गैंग का पर्दाफाश किया है जो ट्रेन में बैग चोरी करने के लिए महिला और बच्चे का इस्तेमाल किया करते हैं। महिला लोगों का ध्यान भटकाती थी और बस हाथ साफ कर लेती थी। अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। दो मंजिला घर में अचानक हुआ ब्लास्ट, 5 घायल। नई दिल्ली गाजियाबाद के सटे विजय नगर में एक भयानक हादसा हो गया। इलाके में दो मंजिला मकान के सिलेंडर फट गया जहां दो बच्चे समेत 5 घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, पूरी तरह से लोग हुए हैं घायल। जहां ऊपर वाले हिस्से में माता पिता और बच्चे रह रहे थे और निचले हिस्से में एक महिला मौजूद थी। कहा जा रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से है या नहीं, या फिर शॉर्ट सर्किट से अन्य पहलुओं की जांच पुलिस कर रही है। नई दिल्ली वेस्ट के निहार विला थाने के इलाके में अवैध संबंध के शक में पति ने अपनी ही पत्नी का गला घोटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव को परिजन को सौंप दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की बात करने की बात कही है। जानकारी के अनुसार 12 साल पहले हुई थी मृतक महिला की पहचान बबली के रूप में हुई है। वो अपने पति के साथ निहार विहार इलाके में रहती थी। 12 साल पहले उसकी पप्पू नाम के शख्स से शादी हुई थी जहां उसके साथ 2 बच्चे भी हैं, बच्चे जो कि नाना नानी के पास रहते हैं। शक के कारण किया यह वारदात, पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी। बबली जब ब्यूटी पार्लर में जाती थी तो पप्पू को लगा कि वह किसी मर्द के साथ संबंध में है। इसी बीच यह वारदात को उसने अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।